बोकारो के ARS पब्लिक स्कूल के मेधावी छात्र अभिज्ञान सिन्हा ने जेईई मेंस 2024 के सेशन 2 की परीक्षा में 99.93% अंक लाकर बोकारो में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आइए करते हैं अभिज्ञान से बातचीत। अभी तो काफी अच्छा फीलिंग है, लेकिन एक और टारगेट है मेरा जेईई एडवांस, उसको जब क्लियर कर लूंगा तो डेफिनेटली और ज्यादा अच्छा लगेगा, और अपना टॉप IIT में एक प्लेस सिक्योर करना है, उसका भी ड्रीम फुलफिल हो जाएगा तो और भी ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। और क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का है और टॉप IIT से करना है, फिर उसी में आगे स्कोप रहेगा। संस्थान जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो? संस्थान तो वही IIT बॉम्बे में ही हम एडमिशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। पहले भी आपने सेशन 1 में परीक्षा दी थी? जी। कितने अंक हासिल हुए थे? सेशन 1 में मेरा 99.85% आया था। तो क्या ऐसी प्रेरणा मिली कि आप सेशन 2 के लिए आपने आगे बढ़कर कोशिश की? मोटिवेशन था पेरेंट्स के तरफ से, टीचर्स के तरफ से, कि और अच्छा परफॉर्म करना है, और इनफैक्ट एडवांस के लिए भी और अच्छा परफॉर्म करना था, लेकिन सबसे पहले मेंस का ही एग्जाम था, तो जैसे जैसे हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे तो वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आपने खास तैयारी की थी? जेई मेंस के लिए तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है और NCERT, ये काफी है बस, और इसी को एकदम थॉरली पढ़ना पड़ता है। और कितने घंटे आप रोजाना पढ़ाई करते हैं? 10 से 12 घंटा। और जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे NCERT में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस जेई मेंस का पढ़ाई को लेकर कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप फैक्ट्स को फिर काफी जल्दी भूल सकते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड एग्जाम रहता है। और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मेरे फादर सुनील कुमार सिन्हा है, वो झुमरी तिलैया में एक गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश के टीचर है, और मेरी मम्मी स्मिता सिन्हा भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, लेकिन अभी हमको मतलब पढ़ाने के लिए 2 साल पहले रिजाइन करके आई है यहाँ बोकारो में। का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कामयाबी का श्रेय बिल्कुल अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहूंगा। तो मैम, आपके बेटे अभिज्ञान ने जो है वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है परीक्षा में, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है इसका रिजल्ट। वैसे तो हम लोग को था कि विश्वास की अच्छा करेगा ही, और रिजल्ट देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, लग रहा है कि मेहनत सफल हुआ इसका। यह बचपन से ही काफी मेहनती रहा है, कभी भी किसी चीज के लिए इसको हम लोग बोलना नहीं पड़ा है, ये खुद से मतलब बहुत मतलब सेल्फ मोटिवेट है। हम लोग बीच बीच में इसको गाइड करते गए, क्योंकि हम लोग खुद टीचिंग लाइन में थे तो बचपन से ही गाइड तो किए हैं, बट ये भी बहुत सपोर्ट हम लोग को किया है। और मैम, आपने जैसे इनके एजुकेशन के लिए और के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ी है, तो क्या चल रहा था? बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हमको इसका लाइफ पहले सेट करना है, तो इसलिए हम वो रिजाइन करके बोकारो 2 साल से रह रहे हैं यहाँ, मतलब डेरा 2 लेके इसके साथ ही रह रहे हैं।